आज का हमारा विषय है ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 66। इफ ऑर्डर ऑफ जी इज 66, फर्स्टली वी फाइंड एन 11। व्हाट इज एन 11? 1 + 11 के डिवाइड 6 इंप्लाइज दैट एन 11 इज 1 ओनली। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन के इज 0। सेकेंड थिंग, वी फाइंड एन 3। 1 + 3 के डिवाइड 22 ओनली पॉसिबिलिटीज आर एन 3 इज 1 और 22। अज्यूम दैट एच इज ए साइलो 3 सब ग्रुप, इट्स ऑर्डर इज 3, बट इज नॉट गारंटीड दैट इट इज नॉर्मल सब ग्रुप। के इज साइलो 11 सब ग्रुप ऑफ जी, बट इसका ऑर्डर 11 है और गारंटी है कि दिस इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। इसका ऑर्डर 3, इसका ऑर्डर 11, एक नॉर्मल एच के मस्ट बी सब ग्रुप ऑफ जी। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एच के? एच के ऑर्डर कम्स टू बी 33। इफ वी टेक अज्यूम पी इज इक्वल टू 3, क्यू इज इक्वल टू 11, P is less than Q, P does not divide Q minus 1, all these things combine say that HK is a cyclic subgroup of order 33। एक चीज, तो HK कैसा subgroup हो गया? Cyclic। तो इसको मैंने कह दिया कि it is generated by X। One thing is clear to all। Second thing, ऑर्डर ऑफ एच के इज 33, इट इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी ऑल्सो बिकॉज इट्स इंडेक्स इज 2 इन 66। दो बातें क्लियर होगी। थर्ड थिंग, 2 डिवाइड 66, व्हाट इट मींस? देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट जी बिलोंग्स, वाई बिलोंग्स टू जी सच दैट हूज ऑर्डर इज 2। यस, हिज ऑर्डर इज 2। ओके, अभी अभी आपने कहा कि एच के क्या है? नॉर्मल सबग्रुप। वाई एक्स वाई इनवर्स क्या होगा? ये एलिमेंट है वाई ऑर्डर 2 का, ये एलिमेंट कहां से है? एच के से है। मैं आपको बता दूं कि एच के नॉर्मल है, इसलिए दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू एच के, और एच के सारे एलिमेंट जो होते हैं वो एक्स की पावर है, तो दिस इज सम एक्स रेज टू पावर आई। अगला क्वेश्चन है, ये आई की वैल्यू क्या होगी? वी नो दैट इन ग्रुप थ्योरी ऑर्डर ऑफ वाई एक्स वाई इनवर्स ऑर्डर ऑफ एक्स के इक्वल होता है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एक्स आई किसके इक्वल होना चाहिए? ऑर्डर ऑफ एक्स के इक्वल होना चाहिए। वेरी गुड। ऑर्डर ऑफ एक्स आई होगा कितना? यहां 33 डिवाइड बाई 33 और आई, जबकि एक्स का ऑर्डर 33 है, तो वी गेट ओनली, वी कैन टेक ओनली सच वैल्यूज ऑफ आई सच दैट देयर जीसीडी 33 एंड आई जीसीडी इज 1। तो आई कैन बी 1, 2, 3 नहीं हो सकता, 4, 5, 6 नहीं हो सकता, 7, 8, 9 नहीं हो सकता, 10, 11 नहीं हो सकता, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 12 नहीं हो सकता, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 31 एंड 32। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 दीज मैनी वैल्यूज ऑफ आई आर पॉसिबल ओनली। ओके, फिर मैं आपको याद दिलवा दूं कि हमने वाई का ऑर्डर 2 ले रखा है और एक्स का ऑर्डर हमने कितना ले रखा है? 33। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल थिंग्स फॉर ही। ओके,
ये जो चीज लाइन लिखी है आपने, ये लाइन अपने आप में बहुत बड़ी चीज की तरफ इशारा करती है। क्या इशारा करती है? कि वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स आई वाई। तो ये हमें ये बताती है कि इस ग्रुप के सारे एलिमेंट, क्योंकि ये देखो एक 36 ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप है, 33 ऑर्डर का, 33 ऑर्डर का क्या नॉर्मल सब ग्रुप, एच के 33 ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप है, और ये दो ऑर्डर का एक सब ग्रुप है। तो दोनों मिलके एक ग्रुप बना देंगे जी, जो इन दोनों की क्या होगी प्रोडक्ट से बनेगा, जिसका ऑर्डर कितना होगा 66। और ये प्रॉपर्टी मिलकर कहती है कि इस जी के सारे एलिमेंट इस तरह के होंगे ओनली, जो किससे मिलकर बने होंगे, एक्स की पावर एस और वाई की पावर टी, क्योंकि इन दोनों से मिलकर बनने वाले एलिमेंट की संख्या 66 हो चुकी है और हमें किसी की जरूरत नहीं है। अब वो कैसे बनेंगे वो देखिए। एक्स को हम लिख सकते हैं वाई इनवर्स वाई, क्योंकि कट जाएगा, एक्स वाई इनवर्स वाई ये भी कट जाएगा, बट इसकी वैल्यू आपने कितनी बताई अभी, एक्स आई, ये आपने लिखी है यहां पे एक्स आई। हमारे पास ये आ गया वाई इनवर्स एक्स आई वाई, ओके। तो ये आई पावर बाहर आ जाएगी, तो ये कुछ और नहीं, ये पहले से एक्स आई था, तो देख एक्स आई स्केयर, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स आई स्केयर, दिस इंप्लाइज दैट एक्स रेट पावर एक्स का स्केयर माइनस वन इज इक्वल टू ई। एक्स का ऑर्डर 33 था, 33 शुड डिवाइड आई स्केयर माइनस, तो यहां से मतलब 11 भी आई स्केयर माइनस वन को डिवाइड करे और 3 भी आई स्केयर माइनस वन को डिवाइड करे। 11 आई स्केयर माइनस वन को डिवाइड करे तो आई की वैल्यू ये फैक्टर बना दिए, 3 डिवाइड करे तो ये फैक्टर बना दिए, ओके। हम अब धीरे धीरे इस बात को करते हैं, पहले इस 11 वाली बात को करते हैं। 11 वाली बात कहती है कि आई की वैल्यू हमारे पास आइदर प्लस वन और माइनस वन हो सकती है, प्लस वन यहां से आएगी माइनस वन यहां से आएगी। फिर दूसरी बात मैं कह रहा हूं, 11 माइनस 10 10 हो सकती है, 10 यहां से आएगी और 12 यहां से आएगी। नेक्स्ट 21 हो सकती है और 23 हो सकती है, फिर 32 हो सकती है, ठीक है, 34 नहीं हो सकती, 34 तो फिर ज्यादा हो, क्योंकि हमारे जो आई की वैल्यू लेनी थी वो यहां तक ही लेनी है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो आई, क्योंकि ये जो एलिमेंट हमने लिया था, क्योंकि आई का ऑर्डर 33 है तो 33 से ज्यादा वैल्यू का कोई तुक नहीं है, ओके। ये वैल्यू तो होगी, किसके हिसाब से होगी भाई, इस माइनस वन को भी हम बेशक हटा सकते हैं, देखो एक वन और एक माइनस वन, फिर 10 और 12, ठीक है जी, फिर हम लिखी है 21 और 23 और 32, ये भी माइनस वन है, तो टोटल आई की वैल्यू कितनी होगी, 1 10 12 21 23 और 32, वेरी गुड। अब ये तो केवल 11 की वजह से आई थी, 3 की वजह से इसमें से लेनी है, ये करेक्ट लेफ्ट करो, ये करेक्ट, तो फाइनली आई की वैल्यू हो सकती है हमारे पास 1 10 23 और 32, वी गेट 3 वैल्यूज 4 वैल्यूज ओनली 4। तो ध्यान से देखो, आपने कहा कि आपका ग्रुप ऐसा पड़ेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, जहां पर ओ एक्स की पावर 33 ई है, वाई स्केयर ई है, और एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है जी हमारे पास, वाई एक्स आयोटा, या हमने क्या लिखा था, कोई यहां लिखा है, इसको ऐसे लिख लो, सॉरी, वाई एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू एक्स की पावर आई, दिस वैल्यू ऑफ आई इज 1 10 23 and 32। व्हाट दिस इंप्लाइज,
कि 66 ऑर्डर के एट मोस्ट 4 सब ग्रुप्स ग्रुप्स हो सकते हैं, वो भी कौन से? नॉन आइसोमॉर्फिक। अब हम ये शो करेंगे कि एट मोस्ट 4 नहीं, एग्जैक्टली 4। फर्स्ट Z66, फिर हम लिख रहे हैं D33, फिर हम लिख रहे हैं D11 प्लस Z3, और फिर हम लिख रहे हैं D3 Z11। इसमें 66 एलिमेंट हैं, इसमें भी 66 है, 33 गुना 2, इसमें 22 गुना 3, इसमें 6 गुना 11, तीनों में 66 एलिमेंट। ठीक है जी, अब हम डिफरेंशिएट कैसे करें, इसके लिए आपको इस ग्रुप की पूरी नॉलेज होनी जरूरी है। ग्रुप ऑर्डर 66 में 2 ऑर्डर के एलिमेंट की संख्या केवल 1 होती है। D33 में 33 एलिमेंट्स होते हैं जिसका ऑर्डर 2 होता है। इस D11 Z6 में कितने होते हैं? इसमें देखो देखो इस ग्रुप के अंदर 22 एलिमेंट होते हैं जिनका 11 एलिमेंट होते हैं जिसका ऑर्डर 2 होता है। उसको जब आइडेंटिटी के साथ मिक्स करेंगे तो उन सब का ऑर्डर भी 2 आएगा। इसके अंदर एलिमेंट कैसे होते हैं मैं आपको बता दूं, पहला एलिमेंट तो होगा इसमें एक्स और दूसरा वाई। ये एलिमेंट यहां से आएगा, ये एलिमेंट यहां से आएगा। जो इस एलिमेंट का ऑर्डर निकलेगा वो इन दोनों के एलसीएम से निकलेगा। तो इधर जो एलिमेंट है ऑर्डर का वो हो सकता है 1 और 3। इसका मतलब ऑर्डर 2 बनाने के लिए इधर से तो 1 ऑर्डर का आना चाहिए और इधर से 2 ऑर्डर का। इसमें 2 ऑर्डर के 11 एलिमेंट है तो इधर पॉसिबिलिटीज आर 11। नाउ कम टू दिस, इधर से वो इधर भी वही चीज है, इधर से 2 ऑर्डर का एलिमेंट आएगा और इधर से 1 ऑर्डर का आएगा। इधर 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट होते हैं तो टोटल पॉसिबिलिटी इज 3। तो इसका मतलब चारों 66 ऑर्डर के नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप हैं। हेंस ऑर्डर ग्रुप ऑफ ऑर्डर यदि 66 है, इट हैज एग्जैक्टली 4 टाइप, इनमें से कोई एक टाइप का ही ग्रुप होगा। 66 ऑर्डर के एग्जैक्टली 4 क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं, आइदर दिस और दिस और दिस और दिस। और बड़े ध्यान से देखो कि ये एक लौता सब ग्रुप है जो साइक्लिक एंड एबिलियन है, बाकी सारे क्या है? तीनों के तीनों नॉन एबिलियन है। ये नॉन एबिलियन, इन दोनों में से एक भी नॉन एबिलियन है, ये भी नॉन एबिलियन, ये भी नॉन एबिलियन। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि 66 ऑर्डर का एबिलियन ग्रुप ऑलवेज, इसका मतलब क्या होता है? साइक्लिक होता है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया। सून वी विल कम विद अ न्यू क्वेश्चन।